आपकी आपकी पूरी प्रूफ इंडिया ने पूरा डोजियर दिया, जिसको जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, उसी डोजियर पे अमेरिका ने हेडली को 30 साल से ज्यादा की सजा की, सेम डोजियर सेम प्रूफ, तो आपने और कर दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान के शहरक करार दिया था। अब जाहिर है शहरक के बगैर कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता, और यही वजह है कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं और हमेशा धड़कते रहेंगे। वो जुल्म सितम का शिकार हों तो कैसे मुमकिन है कि यहाँ के शहरी पाकिस्तानी पुरसकून रह सकें? गोया उनकी बेकरारी आप कह लें कि एक फितरी अमर, और ऐसा होगा कि हमें उनकी तकलीफ महसूस होगी, हम आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहले मैं रोहित आपकी तरफ आना चाहूँगी। रोहित, ये किस किस्म की सोच है, किस किस्म की नफसियात है कि जी घर छोड़ने के बहाने लेकर गए उनको, बुजुर्ग शहरी थे, 72 साल उनकी उम्र, उनको जंगल में ले गए, इस तरह का सलूक किया गया, ये कौन सी हिस्सा जिसको सुकून मिला, जिसको तस्कीन पहुँचाई उन लोगों ने, ये आपके देश में हुआ? ये बुजुर्ग जो हैं, ये उस जिले के रहने वाले हैं, ये उस जिले के रहने वाले हैं जिस जिले का मैं हूं, बुलंदशहर से, राइट? और दोनों जिलों में मुस्लिम्स के खिलाफ कोई ऐसी एट्रोसिटी आज तक नहीं सुनाई दी, ठीक है? इस केस में भी जो वीडियो आया है सामने, पुलिस ने तफ्तीश की और बाद में बोला कि जो बुजुर्ग हैं वो उनको जान पहचान के थे, जो 6 लोग थे, 6 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसमें से कौन है 6 जो जो दोस्त थे, जो लोग थे, एक का नाम आरिफ है, एक का नाम आदिल है, एक का नाम मुशाहिद है, एक का नाम पोली है, एक का नाम कल्लू है। तो मुसलमान ही मुसलमान पे जुल्म कर रहा है और आप उसको पाकिस्तान में ये दिखा रहे हो कि भैया ये इंडिया में क्या हो रहा है। ये सारे आपस में रिश्तेदार थे और काटी गई जय श्री राम के नारे कोई नहीं लगाए गए, इसमें FIR लॉन्च हो गई और सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज फेक जर्नलिज्म, कि ये किसी ने डाल दिया ये दिखाते हुए कि मुसलमानों पे तशद्दुद होती है और मुसलमानों के साथ ऐसा होता है इंडिया में। लेकिन गाजियाबाद और बुलंदशहर दोनों नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मैं दोनों से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए बताऊंगा कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, काफी आई मीन्स परसेंटेज में बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ ऐसा हमें दिखा नहीं है, और इस केस में तो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है, सारे के सारे मुस्लिम्स थे जिन्होंने एट्रोसिटी की थी और जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगवाया गया था। नाउ कमिंग टू तबलीगी जमात, क्या पाकिस्तान ने तबलीगी जमात को ब्लेम नहीं किया था? आर्टिकल दिखा देता हूं मैं आपको। आपने बोला गौरव आर्या कुछ ट्वीट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एंड पाकिस्तानी स्टूड विद इंडिया, क्योंकि गलत टाइम था। तो यार आपका हाफिज सईद जो है उसने तो बॉम्बे अटैक कराया था, आपकी ये इंसानियत वहां भी जागनी चाहिए थी। प्लीज आप एक बार प्रोटेस्ट कीजिए, आई वुड लव इट एंड आई विल ट्वीट फॉर यू। आपके वहां पे लोग 200 से ज्यादा लोग मरे थे, तब इंसानियत कहां थी आपकी? जहां तक रही 26/11 की बात, तो उसको तो हर जगह के ऊपर, यानी मैंने, हमारे जैसे सिटीजन्स ने, और यहां तक के जो हमारी उस वक्त हमारी पीपल पार्टी गवर्नमेंट थी, हमेशा उसको कंडेम ही किया है। कोई भी इंसान अपने होशोवास में उसका समर्थन नहीं कर सकता। जो कोई उसमें मुलव्वस था उनके ऊपर केसेस लगे, जेल में बैठे हुए। दूसरी बात, वो भी इंसानियत के ऊपर ही आ जाते हैं। क्यों वो बुरा लगा मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं LLB का स्टूडेंट होता था, ये कोई 2008 में, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट था और मैं टेलीविजन के ऊपर देख रहा था, एंड इट हॉरिफाइड मी, इट शॉक माई कॉन्शियंस व्हाट आई सॉ। उसी तरह से जब मैं कोविड की से के हाथों जो अमवात हो रही है भारत के अंदर किसी की भी, तो उस पर भी रूह कांप उठती है, क्योंकि वही वाली बात है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसके अंदर नेशनलिज्म आप ला ही नहीं सकते। अभी मैंने उमर खालिद का नाम लिया, वो COVID-19 के साथ जेल में पड़ा हुआ था और उसके लिए कोई इमदाद नहीं, कोई हेल्प नहीं, ये आपकी पुलिस के कारनामे है। अब मैं आई कम बैक टू मुनीब। मुनीब, आपको दुख बड़ा हुआ होगा कि बॉम्बे अटैक हुआ था, लेकिन उस पे किया क्या गया? आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इमदाद दी, हम लोगों ने हेल्प दी। पाकिस्तान ने वो बॉम्बे अटैक का, जिस हाफिज सईद का पे क्या हेल्प दी? हाफिज सईद का किया क्या? जेल में डाला। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल गए कि हमारे पास से, नवाज शरीफ ने बोला कि हमारे कंट्री से लोग गए थे जिन्होंने जाके अटैक किया। आपकी आपकी पूरी प्रूफ इंडिया ने पूरा डोजियर दिया, जिसको जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, उसी डोजियर पे अमेरिका ने हेडली को 30 साल से ज्यादा की सजा की, सेम डोजियर सेम प्रूफ्स। तो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से एक 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 क्रिमिनल को अपने पास, एक टेररिस्ट को अपने पास छुपा के रखा, और पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आप लोग इतना चीखते हैं कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, आपके अपने कंट्री में क्या होता है भाई? आपके अपने कंट्री में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? हमारे कंट्री में तो चलो हिंदू मुस्लिम मैं मानता हूं, आपके अपने कंट्री तो मुसलमानों के लिए बना था। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वह सिंध में क्या हो रहा है नहीं पता, क्रिश्चियन नर्सेस के साथ क्या हुआ,
क्रिश्चियन नर्स को मारा गया सरे सरेआम नहीं हुआ। और एक और एक नर्सेस ने एक चर्च पे कब्जा कर लिया, क्रिश्चियन नर्सेस को मारा वहां पे, बोला कन्वर्ट हो जाओ। तो आप हमें मत बताइए, आप अपने कंट्री को देखिए, अपने कंट्री को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप इंडिया को बताने, हम लोग, हमारे पास मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हमारे मुस्लिम डिप्टी आर्मी चीफ थे, हमारे पास मुस्लिम जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे पास मुस्लिम एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी बता सकता हूं मिनिस्टर्स भी हैं। तो हमारे पास तो सब है, इतने सारे इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इतने सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। आप अपने कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बता सकते हैं माइनॉरिटी का? आप अपने कंट्री में हो गया हिंदू मिनिस्टर सलाह दी थी अखबार पढ़ने की, लेकिन मेरे ख्याल से अगेन आयरोनिकली वो आपके ऊपर आकर लगती है। आपने अभी ये जो मुंबई अटैक के हवाले से जिन लोगों के भी नाम लिए, आप जरा देखिए अरेस्ट ही हुए में, ये जो एक एक नाम आपने लिया है ये अरेस्ट है, दे आर बिहाइंड बार्स। ऑफ कोर्स ट्रायल हुआ, उस पर टाइम लगा, आपने डोजियर भेजा, लेकिन खुद की भी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो जेल में है। दूसरी बात अच्छा, दो किस्म के लोग हैं। नहीं नहीं, मैंने डोंट इंटरप्ट एक मिनट अच्छा रोहित, आप सही से बात सुनिए, क्योंकि मैंने बड़ी देर तक आई लिसन टू योर ब्रांड, सिखा रहे थे अब वही कर रहे हैं ना, देखिए जी जी, आपने कुछ सिखाया ना ये रोहित कि आप बोले ना तो फिर आप मुझे कह रहे थे कि इंडिया में डेकोरम है वो सब होगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा अब दूसरी बात, दो किस्म के मैंने लोग देखे हैं जी जी, मैंने दो किस्म के लोग देखे। एक तो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स परफेक्ट हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो माइनॉरिटीज के साथ कमाल का सलूक किया जाता है, हम एग्जेम्पलरी हैं, वो रोहित साहब हैं। और दूसरे उस तरह के लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि मैं अपने मुल्क की अकलियतों, अपने मुल्क की माइनॉरिटीज, और दुनिया जहान में जिधर भी मुझे महसूस होता है कि इंसानों के साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है या उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, मैं उसके लिए आगे खड़ा हूँ शाना बशाना। तो मैं इधर आकर ये बैठ के नहीं कहने वाला कि जी कितने लोग खुश हैं, मैं एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में बैठ के नहीं कहने वाला, जो गरीब है, जो माइनॉरिटी है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ वो आए, उनको उनकी आवाज दी जाए, वो बोले। और मुझे ये पता है बतौर पाकिस्तानी के, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ एक एक तबके को, जो कोई भी बिलोंग करता है, जो भी एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटीज है, आई वॉन्ट टू एम्पावर देम। तो मैं डिनायल में नहीं जाता, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि देर इज अ लॉट दैट आई नीड टू डू। उसके लिए मेरी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने हर वक्त इस बारे में लिखा हुआ है, और मैंने बल्कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स मेरे पास आए मैंने उसके ऊपर बोला है, क्योंकि ये तो उसके लिए मुझे आधा पौना घंटा चाहिए होगा। इस वक्त हमारा हो रहा है पाक भारत टाकरा, यहां मैं जो डिनायल देख रहा हूं एक ह्यूमन राइट्स अब्यूज का, मैं उसको जरूर काउंटर करना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज मुझे अफसोस होता है जिसका, वो ये कि इतना जुल्म बर्बरियत हो रही है मेरे हमसाए मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ, और मैंने उन लोगों की आवाजें खुद सुनी है, मतलब मैंने उन लोगों ने जो सोशल मीडिया पर लिखा है, जो अपने एक्सपीरियंसिस शेयर किए हैं, वो पढ़ के इंसान खौफजदा हो जाता है कि इतनी बर्बरियत। तो वो चाहे मेरे अपने आंगन में हो रहा हो, कहीं और हो रहा हो, भी मैं तो बोलूंगा, पर मैं आपकी तरह नहीं हूं रोहित जी कि मैं डिनाइल में चला जाऊं, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जो मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है अगर भारत में, तो मैं कोई मुसलमानों नहीं किया, या मैं ये कहूं कि अकलियत यही अकलियतों के साथ जुल्म कर रही है, मैं उस तरह के डिनाइल में नहीं जाता। इससे ज्यादा बड़ा और कोई इनजस्टिस हो नहीं सकता। पहली चीज तो मैं इनको बताऊंगा कि हाफिज सईद को कितने साल बाद अरेस्ट किया गया था, इन्होंने बोला सारे जेल में कितने साल बाद अरेस्ट किया गया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अक्रॉस द वर्ल्ड बोला जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट कि अकलियतों को यानी कि माइनॉरिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। यू वॉन्ट, इंडिया दे चुका है, इंडिया इज ऑलरेडी गिवन, आप अभी वांट पे हैं। कहां? ठीक है, किधर? लेट्स टॉक किधर। मैंने चार प्रेसिडेंट गिनवा दिए यार, मैंने आपको चीफ जस्टिस गिनवा दिया, मैंने आपको डिप्टी चीफ ऑफ, रात गई बात गई, माजी की बात है, मुझे आज की जरा बात बताए। चलें, मैं आप बोल बोले आगे बोले प्लीज, क्या मैं आपके सारे जवाब दे रहा हूं, है ना। अब जहां तक बात है कि वो जो आप मॉस्क डेमोलिशन की बात कर रहे हैं, मॉस्क डेमोलिशन में अब वो हाई कोर्ट में केस पहुंच गया है, डिमोलिश की गई थी, वो भी ऑर्डर से डिमोलिश की गई थी, बिना ऑर्डर्स के नहीं। अगर हाई कोर्ट बोलेगा तो दोबारा बनाई जाएगी, 10 मॉस्क बनाई गई हैं, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि इंडिया में मोदी के लिए क्या बोला गया, या इसके लिए कोरोना के लिए क्या बोला गया, बस हमारी गवर्नमेंट थी, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग इट, हमारी गवर्नमेंट ने किया, फॉल्स होंगी, हर गवर्नमेंट में होती है, आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी होती है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते